हमारे अतिथिगण हमारे बीच पधार चुके हैं, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं, तो ज़ोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय अरुण देव गौतम जी का, आदरणीय कमला दीदी जी का और ब्रह्म कुमारी रश्मि दीदी का। आप सभी भी तालियों के द्वारा स्वागत की घड़ियों में चार चांद लगाएं। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में इस स्नेह मिलन की शोभा हमारे माननीय अतिथिगण अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभा में बैठे आप सभी प्रिय दर्शकों का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। रूहानी स्नेह का स्वरूप लेकर राखी का त्यौहार आता है। पावनता का आधार लेकर राखी का त्यौहार आता है। रक्षाबंधन की आप सभी को पद्मा पदम बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इस सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी हमारे परम रक्षक परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति से करेंगे। ओम शांति। परमात्मा स्मृति से अवश्य ही हम सभी का मन आनंदित हो उठा होगा। भारत की ये सुंदर परंपरा है कि हम सब स्वागत की विभिन्न रीतियों के साथ अपनत्व की महसूसता करते हैं और इस अपनत्व की भावना को लेकर मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट का वेलकम बुके देकर और बैचेस लगाकर स्वागत करें और आप सब भी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आसीन महानुभावों का स्वागत करें, स्वागत करें। आप सभी का तालियों का सहयोग इस स्वागत को कंप्लीट करेगा, तो बिल्कुल हम हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। खिल रहा है हर चमन, गूंज उठे हैं धरा गगन, बिखर रहे हैं चहुओर खुशियों के साज, महफिल में तशरीफ लाए आप जैसे अनोखे सरताज, आप जैसे अनोखे सरताज। स्वागत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज के इस स्नेहिल वातावरण में उमंग उत्साह की तरंगे फैलाने के लिए अब हमारे बीच सुंदर नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं कुमारी परिणीता और कुमारी वैष्णवी। तो करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं हमारे इन नन्हे कलाकारों का।
ओम शांति। तो जोरदार तालियों के साथ हम अपने नन्हे कलाकारों को ब्लेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी परिणीता और कुमारी वैष्णवी का। मन भावन त्यौहार है राखी, परम पिता का प्यार है राखी, आत्मशुद्धि का मार्ग है राखी, धागों में सिमटा हुआ सुंदर स्नेह अपार राखी, सामाजिक सद्भाव का त्यौहार राखी, सामाजिक सद्भाव का त्यौहार। हमारा देश त्यौहारों का देश है, उसमें से एक रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है। वैसे तो बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है, परंतु इस बंधन में सभी खुशी खुशी से बंधना चाहते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार जिसमें पवित्रता का श्रृंगार है, हर आत्मा का सच्चा उद्धार है। राखी सूचक द्रौपदी का, जिसमें हर नारी का स्वमान है, जिससे हर आत्मा की रक्षा होती रहे, ये भगवान का वरदान है। तो मोस्ट सुपीरियर रिलेशन इज इन्वॉल्व इन रक्षाबंधन। तो ऐसे पावन पर्व के उपलक्ष्य पर हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं आप सभी को संस्था की गतिविधियों से अवगत कराना चाहूंगी, और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय लास्ट 86 ईयर्स से राजयोग की शिक्षा द्वारा हर मनुष्य आत्मा का सर्वांगीण विकास करने की सेवा में तत्पर है। ये एक अद्भुत विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय तो है, इसके साथ साथ मानव मूल्यों की स्थापना के लिए भी तत्पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है इस संस्थान को। 5 महाद्वीपों के अंतर्गत 140 देशों में इसकी 10,000 से भी ज़्यादा शाखाएं मौजूद हैं। संस्था की सेवाओं को देखते हुए इसे विश्व भर में हजारों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यूएनओ द्वारा ईयर 1987 में इसे विश्व शांति दूत पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही ब्रह्म कुमारीज को यूनिसेफ और यूकोसॉक संस्था के परामर्शदाता सदस्य का दर्जा भी प्राप्त है। इस संस्था का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। ये विद्यालय लास्ट 86 ईयर्स से आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग के अभ्यास द्वारा जीवन में सद्गुणों का विकास कर जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दे रहा है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, और ब्रह्म कुमारीज भी इस वर्ष भारत सरकार के साथ मिलकर इस उत्सव में शरीक है। इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये प्रोजेक्ट पूरे ब्रह्म कुमारीज में लिया गया है, ताकि पूरे वर्ष अपनी सहयोगी संस्थान RERF राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और उसकी 21 विंग्स के द्वारा 11,000 प्रोग्राम्स करने का लक्ष्य रखा है।
और आज भी हम सभी यहाँ बहुत सुंदर विषय आध्यात्मिकता द्वारा जीवन मूल्यों की रक्षा को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज संसार में हम देखते हैं कि नैतिक मूल्य वैल्यूज कहीं ना कहीं मिसिंग है और नैतिक मूल्यों का पतन होने के कारण मूल्यों का रक्षण करना भी हमारा परम कर्तव्य बन गया है। और रक्षाबंधन का ये पुनीत पर्व कई आध्यात्मिक रहस्यों को समेटे हुए हमें हमारे ऐसे ही कर्तव्यों की स्मृति दिलाता है। तो इसी सुंदर विषय को और स्पष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ब्रह्म कुमारी रश्मि दीदी को। आप बाल्यकाल से ही राजयोग का अभ्यास करते हैं एवं पिछले 15 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप अपना उद्बोधन कई यूनिवर्सिटीज़, एसोसिएशंस, कॉलेजेस और स्कूल्स में देती रही हैं, जो कि बेहद सराहनीय रहा है। वर्तमान समय शांति शिखर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी रश्मि दीदी, आप सभी तालियों का सहयोग जरूर दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय भ्राता अरुण देव गौतम जी, आदरणीय परम श्रद्धेय कमला दीदी जी, हमारी चित्रलेखा बहन और सभा में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का शांति शिखर के इस प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा कि हम सभी आज विशेष रक्षाबंधन के उपलक्ष में स्नेह मिलन और उसमें भी एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो है कैसे हम आध्यात्मिकता के द्वारा अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज इस विषय को आगे बढ़ाने के पूर्व हमें ये जानना जरूरी होगा कि आध्यात्मिकता क्या है, क्योंकि हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि वास्तव में आध्यात्मिकता हम किसको कहेंगे। तो सबसे पहले अगर बहुत ही कम और बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहें तो अपने आप को जानना, जो कहते हैं नो दाई सेल्फ रियलाइज सेल्फ, अपने आप को जानना, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। कहते हैं जीवन में उस मनुष्य ने जिसने अगर अपने आप को जान लिया, स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो उसके लिए संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती। और जिसने संसार का सर्व ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन खुद को नहीं जाना तो क्या कहेंगे कि उसने कुछ भी नहीं जाना। तो आज वर्तमान समय हम इस विषय को लेकर जो आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि वास्तव में हमारी वास्तविकता क्या है, कि इस शरीर में आज हम देखते हैं कि हम सभी जो कार्य करते हैं, आज व्यक्ति जो है वो तनाव से बहुत ग्रसित है ना। आज घर घर की समस्या, हर वर्ग की समस्या, हर समाज की समस्या क्या है, तनाव बहुत है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं 90% जो बीमारियां हैं उनका कारण क्या है, टेंशन ना। तो इस टेंशन को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा ना। तो आज तनाव भी जो शुरू होता है या मनुष्य के जीवन में जो तनाव है उसका भी कारण क्या है, कहीं ना कहीं उसने अपनी वास्तविकता को जाना नहीं है, हम भूल चुके हैं।
और पुनः अगर उस वास्तविकता को जान जाएं, तो जिन जीवन मूल्यों की बात हम करते हैं पुनः वो नैतिक मूल्य स्वतः हमारे जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि वो मूल्य कहीं गए नहीं हैं। जिस प्रकार मान लीजिए आज हम घर से कहीं निकलते, घर से कहीं बाहर जाते, हमने घर को लॉक किया और कहीं गए, चाबी हम जहाँ गए थे वहीं हमने चाबी को कहीं पर रखा और हम भूल गए, हम वापस आ गए, और वापस आने के बाद हम क्या करते, अब चाबी को ढूंढ रहे हैं, और अनायासी हम ये क्या कहते हैं कि चाबी गुम गई है। लेकिन विचार करने की बात है, चाबी गुम हुई है? चाबी तो वही है जहां आपने रखी थी, लेकिन हमारी स्मृति खो गई है, हमें ये याद नहीं कि हमने चाबी को कहां छोड़ा। और जब तक वो स्मृति हमें पुनः वापस नहीं आएगी, तब तक हम तीनों लोक में उस चाबी को ढूंढ ले, वो हमको मिलेगी, मिल सकती है? ठीक इसी प्रकार देखिए, चाबी तो अपनी जगह पे, वो बिल्कुल ईमानदारी से जहां आपने रखा था वही है, वहां से हिली डुली नहीं, लेकिन हमें उस बात की विस्मृति हो गई। ठीक इसी प्रकार आज हमारे जीवन के जो वैल्यूज हैं, जो हमारे गुण हैं, हमारे मूल्य हैं, वो हमारे अंदर से कहीं गए नहीं हैं, लेकिन हमें भी क्या हो गई, उस बात की विस्मृति हो गई। और ये विस्मृति क्यों हुई, क्योंकि बार बार हम जो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, जिसके कारण एक कहते ना एक लेयर उसके ऊपर आ गई और हमें अपने वो जीवन मूल्य, वो गुण दिखाई नहीं देते। लेकिन पुनः आज आध्यात्मिकता अर्थात जब हम अपने स्व की गहराई में जाते हैं, कहते जितना बड़ा बाह्य जगत है उतना ही बड़ा या उससे भी अधिक गहरा जानने योग्य हमारा अंतर जगत है। तो जब हम उस अंतर जगत को जानते हैं, तो पुनः हम अपने जीवन में उन मूल्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बातें, कुछ प्रिंसिपल्स आज हम यहाँ पर सुनेंगे, जिसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर घटना, हर परिस्थिति के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा हो, कैसा हो, सभी बोलेंगे कैसा हो, पॉजिटिव। क्योंकि जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है परिस्थितियों का सामना करने की। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें, तो किसी भी घटना के प्रति हमारा जो नज़रिया होता है वो कैसा हो गया, नेगेटिव। आज मेडिकल साइंस ने इंसानों के विचारों पर, थॉट्स पर जो रिसर्च की है, उसके हिसाब से जो मनुष्य है वो एक मिनट में कम से कम 25-30 विचार क्रिएट करता है। और एक मिनट में जब वो इतने विचार क्रिएट करता है, तो सोचिए 24 घंटे में कितने करता होगा, काउंटिंग नहीं कर सकते ना? तो आज अगर उन विचारों की अगर हम कैटेगरी देखें, तो विशेष चार प्रकार के विचार हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। और इनमें से अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा विचार हमारे मन में कौन से आते हैं, वेस्ट या फिर नेगेटिव। कैसे काम चलेगा, हाँ देखिए, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, हाँ वहाँ पे किसी माल का प्रोडक्शन होता है, और अगर उस कंपनी का जो माल है वो 80% 90% अगर वेस्ट में जाए, तो उस कंपनी का क्या होगा, बताइए क्या होगा, लॉस में जाएगी कि प्रॉफिट होगा, नहीं होगा ना, लॉस में जाएगी। उसी प्रकार इस इतनी बड़ी जो मशीन है ना, हम सभी के पास है, हमारे पास भी विचारों की फैक्ट्री है। सारा दिन हम क्या करते हैं, कई लोग तो नींद में भी सोचते हैं, सुना होगा आपने, नींद ही नहीं आई, हाँ सो के उठे तो भी बहुत थकावट लगी, फ्रेश नहीं, मतलब नींद में भी वो चल रहा है। तो सारा दिन जो हम सोच रहे हैं, अगर इधर का प्रोडक्शन भी 80% 90% वेस्ट होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस फैक्ट्री का रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा बताइए, सभी के पास ये फैक्ट्री है ना, है हाथ उठाइए, जिसके पास नहीं है, सभी के पास है ना, तो हम तो लॉस नहीं चाहते ना, तो हमें भी अपनी इस फैक्ट्री का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जो वेस्ट में जा रहा है, जो नेगेटिविटी में जा रहा है, उसको
पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो उसको पॉजिटिव में चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए आज हम जब अपने आप को सुप्रीम पावर परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जिसका बहुत ही सुंदर माध्यम है राजयोग, मेडिटेशन। मेडिटेशन माना ही उस सुप्रीम पावर परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना। कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए कैसे कनेक्ट करना है वो भी आपको बताएंगे कि जब हमारी, देखिए जब हम परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो वो पावर हमको मिलती है ना। अभी लाइट चली गई ना, पंखा नहीं चलेगा, माइक नहीं चलेगा, हाँ कनेक्ट था तो सब कुछ हो रहा था। ऐसे ही जब हम भी उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक वो पावर जो है वो हमारी लाइफ में दिखाई देती है, वो नॉलेज की रोशनी, वो परमात्मा की याद की शक्ति, वो हमारे जीवन में अंग संग रहती है, जो हमें जीवन में परिस्थितियों से बाहर निकलने में बहुत अधिक मदद करती है, बहुत अधिक हेल्प करती है। तो आज जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं ना, तो जैसे कहा ना, सबसे पहले हर परिस्थिति के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव नज़रिया होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास बहुत सुंदर सकारात्मक होगा। तो एक बहुत ही सुंदर थॉट जो आज हम आप सभी को देंगे, जो आपको रोज़ सुबह उठकर, सुबह उठने के बाद, कहते जब हम सो के उठते हैं ना, तो मेडिकल साइंस ने जो रिसर्च की है, सो के उठने के बाद 10 मिनट तक हमारा जो माइंड होता है वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। उस समय हम उसको जो इनपुट देते हैं सारा दिन उसका इफेक्ट होता है। तो इसीलिए जब भी, एक बहुत सुंदर अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे कि जब भी हम सुबह सो कर के उठते हैं तो सबसे पहला थॉट, सबसे पहला इनपुट हम अपने अपने आप को कौन सा दें, सभी मेरे साथ बोलेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छे से बोलेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये पॉजिटिव थॉट मिला आप सभी को। अब कोई सोचेगा क्या इसी को बोलने से कोई फायदा होगा हमको, होगा। कैसे होगा, देखिए एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसका, ठीक है। सभी मुस्कुराइए अच्छे से, अच्छे से। जो नहीं मुस्कुराएगा तो मेरी वाली कुर्सी खाली है, फिर वहाँ बुलाएंगे। सभी अच्छे से मुस्कुराइए। अच्छा रुक, मुझे देख, अभी मुस्कुराते रहना है ना, रुकना नहीं है। देखती हूँ कौन नहीं मुस्कुरा रहा है। हाँ सभी मुस्कुरा रहे, अच्छा लग रहा है। हाँ अभी मुस्कुराते हुए आप कुछ नेगेटिव सोचिए, मुस्कुराते हुए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मुस्कुराते हुए आप कुछ नेगेटिव सोचिए, क्या हुआ नहीं आ रहे, क्यों आप लोग नेगेटिव नहीं सोचते कभी, हैं सोचते हैं ना, तो अभी क्यों नहीं आ रहा है। हाँ क्योंकि अभी हम मुस्कुरा रहे हैं, वो भी आप खुद से नहीं मुस्कुरा रहे थे, मैंने बोला इसलिए मुस्कुराए। तो देखिए हम मेरे बोलने से भी आपने स्माइल की, मुस्कुराए, तो आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट, मुस्कुराने के लिए मैंने कहा ये ज़बरदस्ती करवाया, लेकिन नेगेटिव आप खुद सोचना चाहते हैं, लेकिन तो भी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही अगर हम नेचुरली खुश रहना सीख जाए तो क्या होगा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो एक पॉजिटिव थॉट आपको दिया, जब बार 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 हम इसका, जिस प्रकार हम मुस्कुराते हुए नेगेटिव नहीं सोच सकते, उसी प्रकार जब हमारे अंदर ये पॉजिटिव थॉट बार बार हम उसको रिवाइज करेंगे, अंदर ये प्रोग्रामिंग देंगे, ये इनपुट बार बार अपने आप को देते रहेंगे, तो धीरे धीरे उस इनपुट का इफेक्ट हमारे अंदर दिखाई देगा और हमारा नज़रिया जो है वो घटनाओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक होता जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल अपने साथ हम इसको रोज़ सुबह ये अभ्यास ज़रूर करें, उठते ही सबसे पहली प्रोग्रामिंग अपने आप को ये दें। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हुआ कि हर घटना के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा हो, पॉजिटिव।
दूसरा प्रिंसिपल है डोंट कंपेयर अदर्स। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें, क्योंकि जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो उससे भी हमारे अंदर अपने खुद के प्रति बहुत नेगेटिविटी, या तो हम उसको अपने ऐसे डाउन देखेंगे या बहुत ज़्यादा हाई देखेंगे, तो भी हमारे अंदर एक ईगो आ जाता जो कि कहीं ना कहीं हमें जीवन में परेशानियों का हमारे कारण बन जाता, तनाव का कारण बन जाता है। और वो हमारे, और जब हम कंपेयर करते हैं तुरंत सबसे पहला लॉस होता है, हमारी खुशी जो है वो गायब हो जाती है, वो कहाँ जाएगी, ढूंढने से भी फिर नहीं मिलती। तो कभी भी अपने खुद को हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। तीसरी पॉइंट, हमेशा गतिशील बने रहे, कभी भी रुके नहीं। कहते पानी भी जब रुक जाता है तो नाला बन जाता है, चलता रहता है तो बहता पानी साफ होता है ना। तो हमें भी सदैव क्या होना है, गतिशील रहना है, हर अपने प्रति दूसरों के प्रति पॉजिटिव नज़रिए के साथ। किसी भी परिस्थिति में हार करके थक करके अब हमसे नहीं होगा ये सोचकर बैठ नहीं जाना है। जब हम गतिशील बने रहेंगे, हम सदा अपने एक संकल्प के प्रति दृढ़ रहेंगे, तो चारों तरफ का वातावरण भी जो है वो हमारी मदद करता है, हमें वो शक्ति मिलती है, वो एनर्जी मिलती है, और हर परिस्थिति को पार करना हमारे लिए सहज हो जाता है। तो हमेशा अपने जीवन में गतिमान बने रहे, गतिशील बने रहे, तो इससे सदा ही हमारे जीवन में उन्नति होगी। एक बार कहानी बताते ना कि एक गांव में भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती कि अब इस गांव में 10 साल तक बारिश नहीं होगी। सब किसान अपना हल वगैरह छोड़ देते हैं कि अब तो बारिश ही नहीं होगी। लेकिन ऐसे समय पर भी एक किसान जो है वो अपनी खेत में जाकर फावड़ा चलाता रहता रोज नियम से। एक दिन जब वो फावड़ा चला रहा था तो उसी समय बादलों का एक झुंड ऊपर से गुजरता है, और देखते ही कि किसान जो है वो फावड़ा चलाए जा रहा है, वो बादल उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने सुना नहीं कि अभी 10 साल तक यहाँ पर बारिश ही नहीं होगी। किसान ने बोला, मैंने सुना, लेकिन 10 साल तक बैठने के कारण मैं अपने कार्य को करना भूल न जाऊं, इसलिए मैं फावड़ा चलाता रहूंगा ताकि मैं गतिशील बना रहूं। जब बादलों ने ये बात सुनी तो ये बात उनको दिल को छू गई। उन्होंने सोचा कि कहीं 10 वर्ष तक हम भी नहीं बरसे तो कहीं हम भी अपना कार्य करना भूल न जाए, और उसी समय उन्होंने बारिश कर दी। कहने का भाव, परिस्थितियाँ तो आती हैं, कहते ना जीवन एक सफ़र है और उसमें ये सब स्पीड ब्रेकर्स अप एंड डाउन तो होंगे, लेकिन हमें कहीं भी थक कर रुकना नहीं है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिक रास्ते हमको मिलते जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी परिस्थिति में थकना नहीं, सदैव ही हमको गतिशील बने रहना है। और इसके लिए आज जो कहा ना, अपने स्व की पहचान और परमात्मा की याद। आज परमात्मा की याद से हमें वो शक्ति मिलती है, वो ताकत मिलती है, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम सभी आज देखिए इस विषय के साथ साथ एक बहुत सुंदर रक्षाबंधन, कहते हैं ना रक्षा प्लस बंधन। ऐसे तो हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो हम सभी को आज़ादी अच्छी लगती है, स्वतंत्रता अच्छी लगती है। बंधन अच्छा लगता है किसी को? लगता है किसी को? हाँ, लेकिन रक्षाबंधन के बंधन में बंधना हर कोई चाहता है। तो वास्तव में ये रक्षाबंधन जो आज हम मनाते हैं, हम अभी मनाएंगे, जो बहुत ही सुंदर त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म का, तो आज हम देखते हैं इस रक्षाबंधन का वास्तव में जो अर्थ है वो क्या है। आज अगर हम किसको पूछें कि रक्षाबंधन क्या है, तो यही कहते हैं कि इस दिन बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। तो क्या इतने सुंदर रक्षाबंधन के पर्व का क्या सिर्फ इतना छोटा सा ही महत्व होगा, छोटा सा ही रहस्य होगा? लेकिन आज
इस रक्षाबंधन का जो एक विस्तारिक एक आध्यात्मिक रहस्य है कि जब हम अपने आप को ईश्वरीय नियमों के बंधन में बांधते हैं तब हमारी रक्षा होती है। क्योंकि विचारणीय बात है कि आज रक्षा कौन कर सकता है। आज कहीं पर देखा जाता कि बहन 10-15 साल की और भाई अभी 2-3 साल का प्यारा सा छोटा सा, वो बहन की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बहन कहीं और है, भाई कहीं और है, तो भाई बहन की रक्षा कर सकता नहीं। तो क्या सिर्फ यहाँ पर स्थूल रक्षा की बात है? अगर ऐसा हो तो फिर रक्षा मंत्री को चल के राखी बांधते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ क्या है? अगर हम प्राचीन काल को थोड़ा देखें तो इस रक्षाबंधन का के कुछ अन्य और जो नाम है, इसको पुण्य प्रदायक पर्व या विष तोड़क पर्व भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विषय विकारों से हमें मुक्त करने वाला या फिर हमारे जीवन में पुण्य प्रदान करने वाला पर्व। तो वो पुण्य हमें कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम विषय विकारों से अपनी रक्षा करेंगे, इसके लिए परमात्मा आकर हमें पवित्रता के रक्षाबंधन में बांधते। जिस रक्षाबंधन में बनने के बाद वास्तव में हमारे जीवन की सच्ची रक्षा होती है। और जब इस बंधन में हम बनेंगे तब वास्तविक रूप से हम अपने मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जो रीति रिवाज आज हम देखते हैं कि आज ना मस्तक पर तिलक लगाया जाता, मुख मीठा कराया जाता, राखी बांधी जाती, तो आज परमात्मा हमें इसका आध्यात्मिक अर्थ जो बताते कि तिलक लगाना अर्थात सदा ही अपने को आत्मिक स्मृति में रखना। कौन सी आत्मिक स्मृति में? कि मैं कौन हूँ। पता है सभी को कौन है? कौन है? हम सभी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। वो आत्मा जिसको स्पिरिट कहते, लाइफ एनर्जी कहते हैं, जो इस पूरे शरीर को चलाने का कार्य कर रहे। तो सिर्फ ऐसे ही तिलक नहीं लगाना, लेकिन तिलक लगाते हुए ये स्मृति रहे कि हम कौन है, एक चैतन्य शक्ति, एक बहुत ही सुंदर स्टार आत्मा है। तो जब सदा इस आत्मिक स्मृति के तिलक को लगा के रखेंगे, इस स्मृति में रहेंगे, तो सदा ही हमारी जीवन के मूल्यों की रक्षा होती रहेगी। और साथ ही मुख मीठा कराना अर्थात सदा मुख से मीठे बोल बोलना, वचन बोलना। कहते हमारे मुख में जो जीभ होती है ना, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन हड्डी तोड़ने का कारण बन जाती है। अर्थात हमारे बोल ऐसे हो जो अनेकों को जीवन में सुख प्रदान करे, वो खुशी प्रदान करे। तो हमारे बोल जब मीठे होंगे तो सिर्फ रक्षाबंधन में आज भी आपको मिठाई मिलेगी, तो सिर्फ मिठाई नहीं खाना, लेकिन मीठे वचन सदा बोले, अंदर ये दृढ़ संकल्प भी करना। साथ ही आप सभी को रक्षा सूत्र भी बांधा जाएगा, उस समय भी यही दृढ़ संकल्प हो कि परमात्मा की याद का, ये पवित्रता का बंधन बांधने से ही हमारे जीवन में सच्ची रक्षा हो सकती है। और सदा अगर हम परमात्मा की याद का बंधन बांधे रहें, सदा अपने वास्तविक स्वरूप में अर्थात इस आध्यात्मिकता में रहे कि मैं कौन हूँ, तो हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दीदी जी का कि आपने हमें बहुत ही सिंपल वे में बताया कि कैसे वो प्रिंसिपल्स जो हमें स्ट्रेस फ्री भी रखते हैं और हमारे जीवन में फिर से हम मूल्यों को कैसे लाए, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से दीदी जी ने हमको क्लियर किया। तो एक बार फिर से आप सभी तालियों से दीदी का धन्यवाद करेंगे। और ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्मों की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिम्मत का दीपक तो हमें खुद ही जगाना होगा। तो आइए हम सब भी इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाते हुए
आत्मस्मृति का दीप जलाएं, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, दीप प्रज्वलन कर विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाएं। और स्थूल दीपक के साथ साथ अपना आत्मिक स्मृति या चैतन्य दीपक भी इस मूमेंट में जागृत करें और इस मूमेंट को चार चांद लगाएं। तो आप सब भी अपने अपने मोबाइल फोन्स में अपने टॉर्च ऑन करें। तो मैं अपने माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के लिए सामने आए। और इस शुभ अवसर को अपनी स्मृति में और इस नए भवन में हम सब याद रखेंगे। एक यादगार मोमेंट ये रहेगा। बहुत सुंदर दृश्य। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ शासन के गृह सचिव पद पर आसीन माननीय अरुण देव गौतम जी को। आपने पहले भी कई बार हमारी सभा को लाभान्वित किया है। आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, जिंदगी में बढ़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो ऐसे अरुण देव गौतम जी का मैं अनुरोध करूंगी कि वे आए और आज के विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय अरुण देव गौतम जी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। मंच पर विराजमान आदरणीय कमला देवी, रश्मि दीदी, यहाँ पर मौजूद प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अन्य सभी दीदियाँ, और इस अवसर पर यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, आज जो टॉपिक पर बहुत बढ़िया उसकी विवेचना इसके पहले रश्मि दीदी ने किया है, और उसके बारे में आप जितना चिंतन करेंगे वो इस विषय ज़्यादा स्पष्ट होगा।
इतना विचारों का इतना ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतने सारे वक्ता, इतने विचार। आप टीवी भी सुनते हैं, यूट्यूब भी सुनते हैं, मोबाइल भी सुनते हैं, इतने सारे विचार दिन भर में मिलते हैं, लेकिन वो तब तक परिणाम नहीं देंगे जब तक उस पर चिंतन नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत सारे विचार देने की बजाय मैं ये ज़रूर अनुरोध करूँगा कि उन्होंने जो पहला वाक्य बताया कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का सीधा सीधा जो मतलब बताया गया कि अपने को जानना, अपनी खोज, मैं क्या हूँ। हमारी पहचान ज़्यादातर दूसरे लोगों ने तय कर दी है, हम अपनी पहचान से ना वाकिफ हैं, हमको जो पहचान दे दी गई हम उसी को लिए घूम रहे हैं। शायद इसके पहले एक मैंने कभी कहानी सुनाई थी, वो दोबारा रिपीट करूँगा कि एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे लोग भेड़ बकरी चराने वाले जाते थे, और एक दिन क्या हुआ कि एक शेर का छोटा बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ के बकरियों के बीच में, भेड़ों के बीच में आ गया, और चरवाहों ने उसको भी बकरियों के साथ पालना शुरू कर दिया। काफ़ी 2-3 साल 4 साल जब हो गए तो वो जो बच्चा शेर का था वो भी बकरियों के जैसे, भेड़ों के जैसे घास चरने लगा, उन्हीं के जैसे मिमियाने लगा, और उसको देख के अपीयरेंस में, सामने देखने में तो ये लगता था कि ये शेर का बच्चा है, लेकिन उसका आचरण और व्यवहार पूरी तरह से भेड़ और बकरियों के जैसा था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि एक कुछ शेरों ने एक दिन नज़र पड़ी उसकी, कह रहे ये बकरियों के झुंड में अपने कुनबे का एक आदमी है, इसको बचाना चाहिए। तो उन लोगों ने कोशिश करके उस भेड़ के झुंड से उसको निकाला और उसको घसीट के ले गए, एक बहुत बढ़िया झील थी, उस झील पर उसको बोला तुम देखो इस पे, तुम भी हम ही जैसे हो, वो नहीं हो जहाँ थे। तो उस मेमने जैसा बिहेव करने वाला शेर ने जब अपने को देखा तो उसको लगा अरे मैं तो इन्हीं के जैसा हूँ। फिर शेर ने थोड़ी दहाड़ लगाई, उसको बोला तुम मेरे जैसे दहाड़ो। तो फिर भी बहुत मुश्किल से 2-4-10 दिन के अभ्यास कराने से वो मेमना जो है उसने अपने स्वरूप को रियलाइज़ किया, अपने स्वरूप को सही अर्थों में पहचाना, और जो अभी तक भेड़ बकरी मेमना बना हुआ था अब वो शेर के जैसा दहाड़ने लगा। तो लगभग वही हालत हमारी भी है, हम भी बिछड़े हुए कुनबे के लोग हैं, और यहाँ आते हैं हमारे माँ बाप या समाज हमको एक पहचान दे देता है, और हम उसी पहचान को लेकर के पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। वो पहचान क्या है, जो हम सर्वशक्तिमान आत्मा जैसा बताया इन्होंने, वो हैं वाकई, लेकिन हमको बता दिया जाता है कि तुम फलाना, तुम्हारा नाम है, तुम इसके बच्चे हो, इसके भाई हो, इसके वो हो, और कोई पद मिल गया तो तुम क्लर्क हो, तुम DSP हो, तुम डिप्टी कलेक्टर हो, सब इस तरह से पद नाम और नाम, बड़ा बड़ा आप लोग भी अपने घर के सामने में अपना नाम पद नाम लिख देते हो और वही आपकी पहचान बन जाती है। एक विशेष घर, एक विशेष नाम, एक विशेष पद और एक विशेष कुल खानदान, हम केवल उसी तक सीमित हो जाते हैं। और शायद हमारा मस्तिष्क, हमारा विचार जिसमें असीम संभावनाएं होती हैं, हम विचार भी उसी सीमा में ही करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक इसी बात का चिंतन है कि अपनी सीमा और अपनी निस्सीमता, अपनी असीमता का एहसास वो करना आवश्यक है कि वाकई ये जो सीमा है वो तो हमने खुद ने गढ़ी है, हमने अपने को सीमित कर रखा है, और हम अपने को निर्बल, कमज़ोर और एक छोटा मेमना समझते हैं, जबकि वाकई हम शेर हैं। तो धीरे धीरे जब इस पर चिंतन करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि आपकी आंतरिक शक्ति इतनी ज़्यादा है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको किसी भी
दुनियावी समस्या से बाहर निकाल सकती है और आपके अंदर एक जो खुशी का निर्झर है, खुशी का बहुत सतत प्रवाहमान झरना है, वो फिर से खुल जाएगा और कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप मुस्कराते रहोगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब मुस्कराने लगोगे तो फिर कोई निषेधात्मक या सीमित करने वाला विचार आपके मन में नहीं आएगा। और ये चिंतन जो है ना, वो कहीं और अच्छा ये है कि यहाँ प्रशिक्षण मिल जाता है इस संस्था में, कैसे चिंतन करना है। चिंतन की भी एक विधा है, एक टेक्निक है, वो टेक्निक आप यहाँ सीखते हैं और फिर धीरे धीरे चिंतन करके रियलाइज़ खुद ही आपको करना है कि आप वाकई क्या हैं। जो आपके अंदर की संभावना है, जो आपके अंदर की सामर्थ्य है, वो धीरे धीरे आपको इतना कॉन्फिडेंस इस लेवल पर ले आएगी कि फिर आप कभी भी कमज़ोर और सीमित नहीं अपने को समझेंगे। और इसीलिए यहाँ सबसे सरल भाषा में ये बताया जाता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय हाथ है, उस सर्वशक्तिमान सत्ता का आपको आशीष है, आप वहीं से आए हो, उन्हीं का एक अंश हो। और ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझो। तो जिस दिन ये चिंतन शुरू हो जाएगा, जब आप कमज़ोर नहीं होगे तो आप किसी से डरोगे नहीं। दुनिया में एक बहुत विचित्र कारोबार है कि आप आक्रामक तब होते हो जब आप डरते हो। यहाँ दुनियावी शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, पुलिस विभाग में हूँ मैं, बहुत सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र, ताकत और लड़ाइयों के बारे में जानता हूँ। सांप को देखा है ना, सांप सामान्यतया हमला नहीं करेगा, वो चुपचाप चले जाएगा, लेकिन अगर उसको ये लगे कि हमको कोई मारने आ रहा है तो बहुत आक्रामक हो जाता है। बिल्ली कमरे में उसको एक किनारे तक ऐसे ले जाइए तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोगों में भी धीरे धीरे बचपन से एक फियर, एक डर पर पैदा कर दिया जाता है और उस डर का नतीजा ये होता है कि हम धीरे 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 डर से बाहर आने के लिए सोचते हैं कि ताकत इकट्ठा करना डर से निजात पाने का तरीका है। असलियत ये नहीं है। जो आदमी बहुत सारे हथियार धारण करके चलता है ना, वो सबसे डरपोक आदमी होता है। बहुत सारी बंदूकें लिए हुए आपको लगता है बहुत अच्छा, ये तो डरता नहीं है, इससे लोग डरते हैं, पर असलियत ऐसी नहीं है। डर को जब आप परिभाषित करेंगे तो आपको लगे ये जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ आदमी है वही दुनिया भर के व्यवस्थाएं बनाता है और सबसे डरा हुआ आदमी। आप देखिए किसी के घर में बड़ी व्यवस्था होगी, बहुत बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आवास हैं, उसमें जो सुरक्षा के लोग होते हैं वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से डरते रहते हैं और उसका इंतज़ाम सोचते रहते हैं, पता नहीं छत से कुछ गिर नहीं जाए, पता नहीं इसमें ब्लास्ट नहीं हो जाए, पता नहीं हम फ्लश चलाएं उसमें से ब्लास्ट नहीं हो जाए। तो ऐसी इतनी डर की इतनी सारी चीज़ें और इतने विचार वहाँ काम करते रहते हैं कि वो सतत डर में रहता है। आप भी ज़्यादातर आपका जीवन जो है, आप अगर अंदर तक खोजेंगे तो आप जिस सुरक्षा की तलाश में हैं, सुरक्षा क्या, पैसे की सुरक्षा, मेरे पास पैसा होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक घर होना चाहिए ताकि मुझे डर ना हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो मेरी, जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर कोई और बदमाश कोई इस तरह से आकर के हमको हमला नहीं करे, इससे सुरक्षा होनी चाहिए। तो आप अल्टीमेटली सारे अपने जीवन में जो एक छुपा हुआ डर है उसको जीतने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं और उस जीतने की एक व्यर्थ जद्दोजहद कि दुनियावी चीज़ें इकट्ठा करने से आप उससे निजात पा सकोगे, ये संभव नहीं है। आपको डर से मुक्ति तब मिलेगी जब आप अपने को शक्तिमान समझने लगोगे, जब ये समझोगे कि मेमना नहीं हूँ मैं, तो शेर हूँ। तो इसलिए इसका चिंतन करना आवश्यक है। धीरे 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 जब आप थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे तो आपको आपकी स्वयं के डर पहले सबसे उसमें प्रकट होंगे और वो डर धीरे 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 आपको लगेगा कि ये वाकई कोई डर नहीं, ये सब तो मेरे अपने कल्पित भय है, मैंने बिना मतलब में ही सोच रखा है कि अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये जो आशंकाएं हैं मन में ना, ये सबसे ज़्यादा आपके चित्त को अशांत करती हैं।
मेरा बेटा अभी गया है, मेरा पत्नी गई है बाहर में, पता नहीं लौटी नहीं, क्या हो जाए। ज़्यादातर हम इस तरह की आशंकाओं से भयभीत रहते हैं और वही हमारी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए मैं आपको इस रक्षा, जो रक्षाबंधन है, जब आप रक्षित हो जाएंगे, किसी की कृपा, किसी की दया, किसी के हाथ से जब आप ये अपने को महसूस करेंगे कि आप सुरक्षित हैं, तो आपके अंदर का भय समाप्त हो जाए। रक्षा भय से मुक्ति देती है। तो जिस दिन आपको रक्षा का एहसास होगा, उस दिन आप बहुत ऊपर चलने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस रक्षाबंधन पर रक्षा का वाकई अर्थ और रक्षा को आंतरिक तौर पर महसूस करते हुए आप अपने भय, अपनी आशंकाओं से बचते हुए दुनिया में अन्य व्यक्ति के प्रति भी जो आपके अंदर आक्रामकता है आपके डर के कारण, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आक्रामकता कम होगी तो हिंसा कम हो जाएगी, दुनिया में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। ये एक सिलसिला है जो आत्मविचार और आत्मचिंतन से आगे बढ़ता है। और मुझे खुशी है कि आप सभी लोग इस सही मार्ग को अपनाने की मंशा से यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ से जो सूत्र, जो बीज लेकर जाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और निश्चित तौर पर हम सभी और अधिक आश्वस्त और अधिक निर्भय और अधिक खुश और अधिक शांति के साथ जीने में कामयाब होंगे। आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण देव गौतम जी का। आपने अपने अनुभव युक्त उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया, और आप खुद भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जो सारी बातें सुनी वो प्रैक्टिकल उनके लाइफ में इन्वॉल्व्ड हैं। और अब अंत में हम सुनेंगे आध्यात्मिक जगत के उस सितारे को जिसकी मुस्कान ही रूहों को प्रकाशित कर देती है। आदरणीय कमला दीदी जी, वैसे तो आपका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप 1965 में ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आई और 1969 में अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र के कल्याण हेतु समर्पित किया। ईयर 1991 में आपने इंग्लैंड, केन्या, स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्रा करके अनेक आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित किया। आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान के अनेक शहरों में आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना का श्रेय जाता है। समाज सेवा की दिशा में आपके उल्लेखनीय प्रयासों को देखते हुए मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम मोहम्मद शफी कुरैशी जी ने आपको ईयर 1997 में सेठ नेमी चंद श्री श्रीमाल समाज सेवा अभिनंदन अवार्ड से सम्मानित किया, और वर्ष 2009 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपको स्त्री शक्ति सम्मान प्रदान किया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका के रूप में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन तथा ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य हैं, तथा ब्रह्मा कुमारीज सुरक्षा प्रभाग सिक्योरिटी विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है। आपके लिए दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी। प्रेम की गंगा हो आप, करती हो ज्ञान गुणों का दान, हर मानव में देवत्व जगाने का आपने लिया है संकल्पों का दान,
और किन शब्दों में गाए आपके व्यक्तित्व का बखान, तो ऐसे दीदी जी का अभी हम सभी दीदी जी से आशीर्वचन सुनेंगे और योग की गहन अनुभूति भी करेंगे आदरणीय कमला दीदी जी। खाना तो है, व्यक्ति रहे तो नहीं कैसे,
शांति प्रेम भाईचारा, लंबी बात नहीं, 100 साल की बात बता रही है, लेकिन आज हम आपको बताए कि हम कहते राजस्थान तो वहाँ कुछ बड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने नेट भी बंद कर दिया है, तो वहाँ तो जो मोबाइल है पानी में था उन्हें भी बंद कर दिया। जब हम अहमदाबाद पहुँचे तब नेट नहीं हुआ, तो ऐसा लगे वो मोबाइल नहीं चल रहा, लगता सब काम खत्म हो गया और अपने का बहुत अच्छा लगता। अब देखो कि हमने बैंक में बहुत पैसे जमा किए, क्या चलता है 25 करोड़ और नेट न चले कुछ हो जाए, मेरे को समय में पैसा मिलेगा खर्चा करूँगी, हो सकता है सोना भी मेरे पास सेफ्टी है मेरी, जो डंडा मार को छीन ले जाएगा पुलिस को बात नहीं आएगी, समय पर नहीं, समय पर कौन अच्छा करेगा भी। देखो जो आज की लाइफ है, जो लोग हैं आज, सब कुछ बड़ा अनिश्चित हो गया। देखो टीवी देखो, पता नहीं कैसे लोग टीवी देखो, हम सब कभी देख रहे देखते ही नहीं देंगे, झूठ झूठ के नहीं देंगे, सारी मीडिया की बातें होती है उससे हमारा मनोबल का ह्रास होता है, उसको देखने से फालतू धंधा टीवी और सीरियल और बंदरिया का बच्चा मर जाएगा ना तो भी सड़े के चिपका देंगे,
आज मनुष्य में इतना वो है, इतना लगाव है हृदय से, और अहंकार की तरह अहंकार भी हजार लगा, इन्होंने हमारे जीवन को निर्दर बनाया। तो रक्षाबंधन पर हम आपके लिए जो राशि लाए हैं, ये संदेश लाए हैं, ये अभी हमको पक्का करना है। अब सवाल ये है, हमारे में ताकत है नहीं मनुष्य में वो विकारों को जीत ले, कंट्रोल कर ले। मनुष्य का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरे शक्ति नहीं है, पर हम फालतू बातों में अपनी शक्ति गंवा दें। मान लो कभी ये हमारी छोटी बहन है, छोटी सी है, मान लो कभी इसने कुछ हमको कह दिया, तो असल में क्या है कि पांच विकारों को जीतने की कंट्रोल करने की मेरे अंदर शक्ति नहीं। इसने हमारे जीवन को, क्या हमारे घर को, हमारी दुनिया को हरा दिया। आज वो सही सही सी बात है, जरा किसने कुछ कह दिया मान दबा कर, और माता पिता है, परिवार है, वहाँ शांति की चाहिए, भाई बटे बढ़िया नहीं हुआ, रोज अखबार में यही सब कुछ होता है। इसको कौन ठीक करेगा? इस दुनिया को, इस दुनिया का परिवर्तन आप कौन करेगा? संबंध जोड़ने से, संबंध जोड़ने से, परमात्मा से संबंध जोड़ने से बातें जैसे मानते शहर का पावर हाउस कितना बड़ा काम है, कितनी कितनी लगती है हमारे पूर्वज में, कितनी बनी महंगाई बनती है, गिर सकते हैं हमारे एक गर्म पदार्थ है।
तेरा छोटी तो बन जाएगा कि रहेगा, ध्यान देना पड़ता है। लेकिन दूध बह गया, दूध बह गया, मेहमान भी आए थे, मिलेगा तो नहीं, अब मेहमान को क्या बोलूँगी। इस बहन ने ध्यान नहीं दिया, दूध बह गया, दूध कितने का रहा होगा, सौ डेढ़ सौ, दूध बह गया सौ डेढ़ सौ। अब मैं इसके ऊपर नाराज हुई, उसके जितनी लोग तनाव में भी आ गए, ध्यान नहीं देते। ऐसे होता है अपने घर में, परिवार में सब एक समान नहीं होते, सब एक समान नहीं होते। तो मैं अब ये बताओ, मेरी शांति कीमती थी कि दूध कीमती था? दूध कीमती था कि मेरी शांति कीमती? ऐसे सुबह से रात तक आपके लिए देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मन परमात्म शक्ति जैसे सत्संग सत का प्रभाव पड़ता है, सराहनी का करो क्या किसी का भी करो उसी का प्रभाव होता है। अगर हम सत्य परमात्मा की याद करते हैं तो हमारे अंदर उन परमात्म गुणों का हमारे अंदर वो प्रवेश होती है, वो परमात्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, और हमारी बुद्धि स्वच्छ निर्भ शुद्ध हो जाती है। हमारे अंदर पतन भगवान को याद करने से निर्णय शक्ति, पढ़ने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, सभ्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और गुण दोनों समा जाते हैं। हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, अपनी वाचा पर, मनसा पर, अपनी कर्मियों पर। तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, रूलिंग पावर आ जाती है, विल पावर आ जाती है। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन सुबह उठ के थोड़ी देर हम कभी ध्यान समझती है, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। जिसे बहन जी बता रही थी तो पहले सुना कि हमको क्या अभ्यास करना है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं कौन हूँ, आपकी संतान मास्टर सर्वशक्ति, मैं हर दिशा की आत्मा हूँ, मैं बड़ा लोकी हूँ, मैं बड़ा पाप हूँ, क्या है मेरा भाग्य, अरे मैं तो भाई आजकल लोग भाई बेच कर गीत बोले, आप कौन सा गीत बोल रहे हो, अच्छे गीत बोल, बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मेरा भाग भी बहुत अच्छा है। जैसे जो दूसरी को मानती है उसने बताया इसमें नहीं होगा, नहीं था उसको क्या हुआ, पिछले जन्म का मेरा कर्म था उसके लिए, इस जन्म ने तो मेरा सब बदल दिया, वो रेखा नहीं बदल गई, उसकी गलती इतना है नहीं, पटेल ने ये कहा जो नहीं कहा ना, आप क्या देखते हैं, राजयोग का मतलब क्या है, कोई हम प्राणायाम मात्र थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने मन को उस सर्वोच्च सत्ता को, उस सर्वोच्च सत्ता से मैं अपने मन को एकाग्र करता, अमृत देने को जल्दी अच्छी अच्छी आप सभी हमारे वासियों के लिए
Thank you.
ओम शांति। योग की इस अद्भुत अनुभूति के बाद अवश्य ही हम सबका मन शांति का अनुभव हम सब ने किया और हमारा मन भी और जो हमारे संकल्पों की गति वो भी धीमी हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला दीदी जी का, और आपने हमें रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य और स्वरक्षा के सिद्धांतों को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट किया। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। जैसे दीदी जी ने कहा कि नॉलेज इज माइट एंड नॉलेज इज वर्च्यू, तो ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कल से आप सभी जो नए भाई बहन हैं विशेष उनके लिए राजयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर इसी भवन में कल से आयोजित है, जिसका समय रहेगा सुबह 7 से 8:30 और संध्या भी 7 से 8:30। तो आप सभी इस शिविर का लाभ अवश्य उठाएं और अपने मन को स्ट्रेस फ्री और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कला जरूर सीखें। ओम शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में अपने कॉपरेशन का सहयोग दिया। तो अपने लिए भी एक बार ज़ोरदार क्लैप्स करें और कल से आप सभी का हार्डली वेलकम रहेगा शिविर यहाँ पर इसी भवन में आयोजित। सूत्र ना, रक्षाबंधन के मौके पे हम सभी इकट्ठे हुए ना, तो आप सभी को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। बाबा के घर से आप सभी को प्रसाद टोली भी मिलेगी, उसके पश्चात फिर आप पहले प्रस्थान करेंगे। और जो नए भाई बहने हैं, बहुत सारे भाई बहने यहाँ पहली बार आए हैं या जिन्होंने 7 डे का कोर्स नहीं किया है, तो जैसा आप सभी को समय बताया गया तो सुबह या शाम कोई भी एक समय पर Thank you.